सहरसा में देर रात शुक्रवार 5 मई को 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो तीनों हथियार तस्कर थे। उनके पास से 3 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस, 11 मोबाइल बरामद किए गए। बता दें कि पुलिस को रात्रि गश्ती के दौरान सूचना मिली थी कि 3 हथियार तस्कर हथियार और गोली की खरीद बिक्री को लेकर सदर थाना क्षेत्र के अभिजीत सिंह राजपूत के यहाँ है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और छापेमारी के दौरान तीनों अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कल रात्रि एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ हथियार तस्कर एक व्यक्ति के घर में जुटे हुए हैं और हथियार की खरीद बिक्री करने का काम कर रहे हैं। इस सूचना पर सदर थाना के द्वारा एक टीम बना के रेड की गई और वहां से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन तीनों के पास से 3 देसी पिस्टल, 3 मैगजीन और 11 जिंदा कारतूस तथा 3 मोबाइल बरामद किया गया है और इस संबंध में केस दर्ज करके आगे पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह जो अवैध आग्नेयास्त्र है ये कहाँ से प्राप्त किए हैं और किनको डिलीवर करने वाले हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? वो आपको ये एक अभिजीत सिंह राजपूत कल रात। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज 22 को, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज 22 स्कोप ऐप। सहरसा में देर रात शुक्रवार 5 मई को 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो तीनों हथियार तस्कर थे। उनके पास से 3 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस, 11 मोबाइल बरामद किए गए। बता दें कि पुलिस को रात्रि गश्ती के दौरान सूचना मिली थी कि 3 हथियार तस्कर हथियार और गोली की खरीद बिक्री को लेकर सदर थाना क्षेत्र के अभिजीत सिंह राजपूत के यहाँ है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और छापेमारी के दौरान तीनों अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कल रात्रि एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ हथियार तस्कर एक व्यक्ति के घर में जुटे हुए हैं और हथियार की खरीद बिक्री करने का काम कर रहे हैं। इस सूचना पर सदर थाना के द्वारा एक टीम बना के रेड की गई और वहां से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन तीनों के पास से 3 देसी पिस्टल, 3 मैगजीन और 11 जिंदा कारतूस तथा 3 मोबाइल बरामद किया गया है और इस संबंध में केस दर्ज करके आगे पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह जो अवैध आग्नेयास्त्र है ये कहाँ से प्राप्त किए हैं और किनको डिलीवर करने वाले हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? वो आपको ये एक अभिजीत सिंह राजपूत कल रात